देश के चार राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी चार चरणों का चुनाव बाकी है। बहुजन समाज पार्टी इन पांच में से चार राज्यों में चुनाव लड़ रही है। असम को छोड़कर अन्य चार राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पौंडीचेरी में बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए, लेकिन संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार नहीं कर रही। तो सवाल ये है कि मायावती की अनुपस्थिति में पार्टी के चुनाव प्रसार का जिम्मा किसने संभाल रखा है? जवाब है आकाश आनंद। आकाश मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे आकाश ने लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की। आकाश बीएसपी का युवा चेहरा है जो मायावती की अनुपस्थिति में इन चार राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। इस बार मायावती चुनाव प्रसार से दूर हैं, लेकिन आकाश केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। मायावती की अनुपस्थिति में पार्टी पूरे चुनाव प्रसार की कमान अकेले संभालना उनके लिए बीएसपी में नया जरूर है। कांसीराम के निधन के बाद पार्टी के हर बड़े कार्यक्रम में मायावती ही सबके आकर्षण का केंद्र रही हैं। ऐसा पहली बार है कि मायावती के बिना उनके भतीजे आकाश चुनावी मैदान में पार्टी को मंच संभाल रहे हैं। उन्होंने भाषण देने के लिए पहली बार मंच पर माइक तब पकड़ा था जब 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने मायावती को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था। तब आगरा में आकाश ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को बाकायदा संबोधित किया। वो दृश्य सबको याद है जब मायावती के 63वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव उनसे मिलने आए थे, तो वहाँ सबकी नज़र आकाश की उपस्थिति पर टिकी थी। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जिस तरह से एक के बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मायावती अपने बाद पार्टी संभालने के लिए आकाश को तैयार कर रही हैं। ये सवाल इसलिए उठा, ये चर्चा आम थी कि मायावती अपने छोटे भाई आनंद को अपनी विरासत सौंपने वाली हैं, लेकिन जिस तरह से आकाश को पार्टी में ग्रूम किया जा रहा है, अब कई लोगों को लगता है कि सत्ता आनंद की जगह सीधे आकाश के पास आने वाली है। कुछ वक्त पहले लखनऊ की एक रैली में मायावती ने कहा था उनका उत्तराधिकारी उनके परिवार से नहीं होगा। राजा राम को विधान परिषद और राज्यसभा भेजने के अलावा मायावती ने पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी। हालांकि बाद में अचानक ही राजा राम को साइडलाइन कर दिया गया। अब पार्टी में आकाश को आगे बढ़ाने की कवायद को एक और एंगल दिया जा रहा है। यूपी में दलित नेता चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में इसे मायावती का दावा माना जा रहा है। बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां परिवार के ही सदस्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। देश में ऐसे दलों की भरमार है, लेकिन ये सच भी है कि सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता की स्वीकारता में राजनीति में सफलता की कुंजी है। आकाश खुद इतनी दूर जाएंगे और बीएसपी को कहां तक ले जा पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.